Welcome to all of you, dear students. In this video, we are going to learn about types of atomic bodies. जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि इस वीडियो के अंदर जो हम पर्टिकुलरली जो कंटेंट कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम ऑटोमोबाइल और व्हीकल के बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसके कैटेगरीज क्या है और उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है विद हेल्प ऑफ इमेजेस हम उसको लर्न करेंगे. सो लेट स्टार्ट. सो सबसे पहले जो हम ऑटोमोबाइल बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके कैटेगरीज क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यू कैन ऑब्जर्व हियर. तो सबसे पहले कैटेगरी आता है कार बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में या कार बॉडीज के बारे में. उसके बाद सेकंड कैटेगरी आएगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होंगे और थर्ड होगा टू व्हीलर के बॉडी स्ट्रक्चर क्या होंगे. मतलब जब हम बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं ऑटोमोबाइल के तो बेसिकली तीन कैटेगरी के अंदर हमें उसको आइडेंटिफाई करना है या लर्न करना है, जैसे कार बॉडीज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल और टू व्हीलर के. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कार बॉडीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में. ओके, सो द वेरी फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइप ऑफ कार आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसका इमेज यू कैन ऑब्जर्व, इट इज अ बेसिक नॉर्मल टाइप ऑफ कार. जनरली सच टाइप ऑफ कार्स आर प्रेजेंट अपने रोड के ऊपर, बहुत सारे कार जो होते हैं इस टाइप के, उसका नाम होता है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. जो सेकंड कैटेगरी है कार के बॉडी स्ट्रक्चर का, यू कैन इजीली यहाँ पे आप दोनों कार के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि ये फ्रंट वाला पोर्शन है, ये मिडल वाला पोर्शन है और ये रियर वाला पोर्शन है. तो यहाँ पे बेसिकली तीन कंपार्टमेंट से व्हीकल का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि इंजन वाला पोर्शन, पैसेंजर सिटिंग एरिया और लगेज कैरिंग एरिया. अगर ये तीनों एक दूसरे से अलग होंगे तो उसका एक कैटेगरी होता है. दूसरा इमेज आप देख रहे हो, इसके अंदर इंजन का पोर्शन जहाँ पे इंजन माउंट होता है वो अलग है, पैसेंजर का कंपार्टमेंट अलग है, बट आप यहाँ पे जो लगेज कैरिंग कंपार्टमेंट है उसको देखोगे तो ये थोड़ा सा उसका साइज कम है, या आप बोल सकते हो पैसेंजर कंपार्टमेंट और लगेज कंपार्टमेंट दोनों को मर्ज किया गया है. तो ये हो गया उसका सेकेंड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी आप देखोगे तो ये कुछ फर्स्ट कैटेगरी के जैसे ही दिख रहा है, बट उसका जो मिडल वाला जो पोर्शन है जो कि पैसेंजर सिटिंग एरिया है तो उसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब लॉन्गर इन लेंथ आपको व्हीकल का स्ट्रक्चर दिखेगा. तो ये अलग कैटेगरी होता है. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस व्हीकल के अंदर भी जो इंजन कंपार्टमेंट, ड्राइवर कंपार्टमेंट, ये थोड़ा सा मर्ज किया हुआ दिखता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बट जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है ड्राइवर के उसका डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, तो ये भी एक कैटेगरी हो गया. उसके बाद जो फर्स्ट व्हीकल है उसी टाइप के से यहाँ पे आप देखोगे उसी टाइप का व्हीकल है, बट यहाँ पे उसका जो टॉप पोर्शन है मतलब उसको रूफ कहा जाता है, ये होता है फोल्डेबल और उसको कहा जाता है एक कन्वर्ट भी हो सकता है. तो ये हो गया अलग कैटेगरी. उसके बाद आप देख सकते हो कि सेम एक कार का स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो इंजन कंपार्टमेंट अलग है, पैसेंजर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट, बट अगर आप एक इसका रेयर वाला पोर्शन देखोगे तो ये फर्स्ट सेकंड व्हीकल से डिफरेंट है. यहाँ पे थोड़ा सा रूफ का जो पोर्शन है टिल द एंड, मतलब रूफ का पोर्शन है जो अप टू द बैक साइड ऑफ द व्हीकल, अप टू द एंड ऑफ द व्हीकल उसको एक्सटेंड किया गया है, तो ये थोड़ा सा अलग, ये अलग और नया कैटेगरी है. उसके बाद ये आपने सभी ने इस व्हीकल इस स्ट्रक्चर को देखा होगा, इसका मल्टीपल और मल्टीपर्पज यूज का व्हीकल हम बोल सकते हैं. इसके अंदर भी इंजन कंपार्टमेंट, ड्राइवर कंपार्टमेंट और पीछे वाला लगेज कंपार्टमेंट और एज पर द रिक्वायरमेंट उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है. और ये लास्ट कैटेगरी ऑफ द कार बॉडी स्ट्रक्चर यू कैन से ऑब्जर्व हियर. तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पोर्ट्स कार का स्ट्रक्चर है और ये सबसे डिफरेंट है. अगर आप सभी इमेजेस को ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली तो इसका पूरा स्ट्रक्चर अलग रहेगा. और ऑब्वियसली आप सभी को पता है स्पोर्ट्स कार का पर्पज है हाई स्पीड व्हीकल होता है, रेसिंग के लिए यूज होता है. तो उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्राइवर का कंपार्टमेंट जो है इंजन कंपार्टमेंट और रियर कंपार्टमेंट, तो ये डिफरेंट है. ओके, तो ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं इजीली आइडेंटिफाई करना हो तो ड्राइवर कंपार्टमेंट इज कम्प्लीटली ओपन, बट यहाँ पे आप देखोगे पूरे ड्राइवर कंपार्टमेंट क्लोज है, बट इस व्हीकल के अंदर ये थोड़ा सा ड्राइवर का कंपार्टमेंट ये ओपनेबल है, मतलब ओपन हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है. सो ये हो गए बेसिक कैटेगरीज ऑफ कार बॉडी स्ट्रक्चर. तो हर एक का हम नाम जानेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी आता है जिसके अंदर इंजन, पैसेंजर कंपार्टमेंट और लगेज कैरिंग कंपार्टमेंट तीन अलग अलग होंगे एक दूसरे से, तो उस टाइप के व्हीकल को सेडान टाइप ऑफ व्हीकल या सलून टाइप ऑफ व्हीकल कहा जाता है.
कार बॉडी स्ट्रक्चर कहा जाता है। सेकंड होता है जिसके अंदर लगेज कंपार्टमेंट एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट दोनों को मर्ज किया होगा, उस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हैचबैक टाइप ऑफ कार बॉडी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस हैचबैक को और एक नाम होता है जो कि फिफ्थ डोर व्हीकल भी कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड से दो डोर होते पैसेंजर के लिए, राइट साइड से दो डोर होते, और रेयर साइड में जो हम लगेज पुट अप करते हैं या रखते हैं वहाँ पे भी एक जो डोर होता है उसकी वजह से इसको फिफ्थ डोर और फाइव डोर व्हीकल भी कहा जाता है, बट बेसिक कॉमन नेम है हैचबैक व्हीकल। ओके, हैचबैक इज नथिंग बट जैसे आप मान लीजिए कि ग्राफिक्स के अंदर हम हैचिंग लाइन्स जो ड्रॉ करते हैं सेक्शनल व्यू ड्रॉ करने के लिए, तो उस हैचिंग लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है 45 डिग्री में, तो लगभग उसी टाइप का उसका फिफ्थ डोर का पोजिशन होता है लगभग इंक्लाइन पोजिशन से, तो उसकी वजह से भी इसको थोड़ा सा हैचबैक टाइप ऑफ व्हीकल कहा जाता है। नेक्स्ट है ये जो थर्ड इमेज है, ये होता है लिमोसिन और लग्जरियस सेडान। उसके अंदर आप देख सकते हो जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसका एरिया और उसका लेंथ बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर जो सिटिंग पोर्शन से सेडान और हैचबैक से अलग होता है, माइट भी आपने बहुत सारी मूवीज में इसका इस टाइप के व्हीकल को देखा होगा। नेक्स्ट ये है वैन। वैन का पर्पज है एज पर द रिक्वायरमेंट, आपको मतलब कुछ कैरी करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है मोस्टली। उसके बाद होता है ये जो फिफ्थ वाला इमेज है, इट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्टिबल व्हीकल, मतलब जिसका रूप फोल्डेबल है, जो एज पर द रिक्वायरमेंट इसको हम फोल्ड करके रेयर साइड का जो पोर्शन है उसके अंदर रख सकते हैं, तो इसको इसको कन्वर्टिबल व्हीकल कहा जाता है और ओपन कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टेशन वैगन और स्टेट। तो इसका बेसिकली आपको अभी डिफरेंस पता चल गया है, इसका जो रूफ है जो अप टू द एंड ऑफ द व्हीकल उसको एक्सटेंड किया जाता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो रूफ है यहाँ पे खत्म हो गया, इसका रूफ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डोर हैचबैक के अंदर डोर ओपन होता है, डोर होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर से उसको स्टेशन वैगन और स्टेट कार बॉडी स्ट्रक्चर कहा जाता है। देन पिकअप टाइप ऑफ व्हीकल, इसके अंदर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली इसका स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, और लास्ट वाला है स्पोर्ट कार। ओके, तो स्पोर्ट कार को अल्टरनेटिवली ऐसा भी कहा जाता है कि ओपन कार भी है, जिस ड्राइवर का जो पोर्शन है कम्प्लीटली ओपन होता है, और यहाँ पे कन्वर्टिबल में एज पर द रिक्वायरमेंट इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली 8 कैटेगरीज है कार बॉडी स्ट्रक्चर्स के। और उसके बाद और एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है कूपे। ओके, तो कूपे इज नथिंग बट अगेन सम व्हाट टाइप ऑफ सिमिलर टू द स्टेशन वैगन, जो आप अपने इस व्हीकल के अंदर इस डायग्राम के अंदर देखा है स्टेशन वैगन और एस्टेट, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसका रूप अप टू द एंड एक्सटेंड किया जाता है, और उसका एक और स्पेशलिटी है इस टाइप के व्हीकल कूपे के अंदर, आइदर सिंगल सीट, मतलब ओनली फ्रंट साइड के दो जो सीट्स होते हैं, आइदर उस टाइप का अरेंजमेंट होता है, या दो रोज होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, तो ये होता है कूपे। मतलब कूपे इज अ फिक्स रूफ कार विथ स्लोपिंग रेयर रूफ लाइन एंड वन और टू रोज ऑफ सीट्स। ओके, सो ये हो गए सारे कैटेगरीज जो कार बॉडी स्ट्रक्चर में आते हैं। उसके बाद कार बॉडी स्टाइल्स जो बेसिकली क्लासीफाई जब किया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया है, कार क्लोज कार सलून और सेडान, उसके अंदर आप देख सकते हो इट हैज टू और फोर डोर्स, अ सिंगल कंपार्टमेंट विद टू रोज ऑफ सीट, सेपरेट लगेज स्पेस एट द रियर, जो कि स्पेशलिटी है सेडान क्लास ऑफ व्हीकल। देन सलून का द सलून विद डोर एट द बैक, फिफ्थ डोर व्हीकल भी कहा जाता है। देन कूपे ओनली वन रो ऑफ सीट और ओनली टू डोर्स आर देयर जनरली, और नाउ डेज यू कैन ऑब्जर्व कि चार डोर और दो रो सीट कंपार्टमेंट भी उसके अंदर होते हैं। लिमोसिन इज नथिंग बट ड्राइविंग कंपार्टमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेयर का कंपार्टमेंट बाय द स्लाइडिंग ग्लास, मतलब यहाँ पे आप देखोगे बाकी कैटेगरीज के अंदर जो ड्राइवर कंपार्टमेंट और पीछे वाले जो कंपार्टमेंट होता है पैसेंजर का वो कंप्लीटली मर्ज और ओपन होता है, बट यहाँ पे लिमोसिन के अंदर ड्राइवर कंपार्टमेंट इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द रेयर साइड कंपार्टमेंट। ओके, और उसका जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसका लेंथ ज़्यादा होता है लिमोसिन के अंदर। देन ओपन कार के अंदर स्पोर्ट्स कार जो कि हैज टू और नो डोर इज प्रोवाइडेड विथ कोलेप्सिबल हुड। ओके, तो कुछ व्हीकल के अंदर यहाँ पे फोल्डेबल ग्लास का ट्रांसपेरेंट हुड भी होता है या रूफ भी हो सकता है। देन कन्वर्टिबल द रूफ इन दिस इज ऑफ सॉफ्ट फोल्डिंग टाइप एंड विंडोज ऑफ द स्पेशल विंड अप डिजाइन, मतलब यहाँ पे जो विंडो ग्लास जो होता है स्पेशल टाइप का डिजाइन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिगर साइज के इमेज में कंप्लीटली फोल्ड होके यहाँ पे
उसको रखा जाता है। देन जब आप कार बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करते हो तो वहाँ पे दो कैटेगरीज आते हैं, ओपन कार एंड क्लोज कार। तो क्लोज कार कौन से होते हैं, जो कि सलून, सेडान हमने अभी देखा है, हैचबैक टाइप ऑफ व्हीकल, कूपे, लिमोसिन एंड फास्टबैक। ओके, तो ये पांच कैटेगरीज होते हैं क्लोज कार के। उसके बाद अगर हम ओपन कार के बारे में जानेंगे या डिस्कस करेंगे तो ओपन कार आर नथिंग बट स्पोर्ट्स कार, कन्वर्टिबल, सेमी कन्वर्टिबल और कूपे कन्वर्टेड। मतलब कूपे के अंदर भी अरेंजमेंट होता है उस टाइप के कैटेगरी का कूपे कन्वर्टेड, मतलब उसका रूप भी कन्वर्ट होके फोल्ड होके रियर साइड में उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये हो गए सारे कैटेगरीज कार बॉडी स्ट्रक्चर के, ओपन कार, क्लोज कार विथ डिटेल, इन डिटेल। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब आप सबको पता है कि बस एंड ट्रक जो हेवी व्हीकल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, बट व्हेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन डिटेल तो यहाँ पे आपको पता चलेगा वैन इज ऑल्सो कम्स अंडर द ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ व्हीकल, ट्रक, आर्टिकुलेटेड व्हीकल एंड बस। तो यहाँ पे आपको वैन तो पता है, ट्रक एंड बस आप सभी ने देखा है। द आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स आर नथिंग बट जैसे कि आप मान लीजिए अपना ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, जो हम ट्रैक्टर एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया जाता है, तो उस टाइप के ट्रैक्टर एंड ट्रेलर और जो कंटेनर कैरिंग जो व्हीकल्स होते हैं जनरली उसका ड्राइवर कंपार्टमेंट का पोर्शन कम्प्लीटली अलग होता है और लगेज कैरिंग कंपार्टमेंट सेपरेट होता है, मतलब डिटैचेबल अरेंजमेंट होता है। तो उस टाइप के व्हीकल को पर्टिकुलरली आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स कहा जाता है। तो ये हो गए ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ व्हीकल के टाइप्स। और उसके बाद सबसे लास्ट में टू व्हीलर बॉडी स्ट्रक्चर्स या टाइप्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट अरेंजमेंट होता है जनरली हमने अगर आपको उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, पता करना है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने टू व्हीलर के बेसिक थ्री कैटेगरीज मेंशन किए हैं, जैसे कि मोपेड, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स होंगे टू व्हीलर के, जैसे कि फर्स्ट व्हीकल यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड बाइक, जो कि नॉर्मल लुक होता है, जिसका एवरेज माइलेज आप बोल सकते हो अच्छा होता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड बाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो होंडा शाइन का है, जैसे स्प्लेंडर भी इसके अंदर आता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड बाइक की स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स बाइक, जो आप सभी को पता है स्पोर्ट्स बाइक का स्ट्रक्चर नाउडेज ह्यूज डिमांड इज देयर फ्रॉम द यूथ कि स्पोर्ट्स बाइक ही यूज करना है। तो ये वन ऑफ द इमेज ऑफ दैट स्पोर्ट बाइक इज देयर। उसके बाद स्कूटर्स होते हैं जो टू व्हीलर के बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे, तीनों का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे स्कूटर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप लगेज कैरी करने के लिए यहाँ पे सेपरेटली पोर्शन अवेलेबल होता है, इट इज मोस्ट कंफर्टेबल नाउ डेज। यू कैन ऑब्जर्व कि बहुत सारे मतलब मार्केट में इसका डिमांड सभी व्हीकल का है जनरली। उसके बाद जो आता है मोपेड्स, जो मोपेड इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मोटराइज एंड पेडलाइज। ओके, मतलब जो व्हीकल मोटर के ऊपर, मोटर मतलब इंजन के ऊपर भी रन होता है, अगर उसका फ्यूल खत्म हो जाने के बाद वो पेडलाइज, मतलब जैसे हम बाइसिकल को पेडल ऑपरेट करके उसको रन करते हैं, तो उस टाइप के व्हीकल को, बट वो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन था। बट नाउ डेज आप देख सकते हो कि इस टाइप के व्हीकल को मोपेड कहा जाता है, जो कि पर्टिकुलरली इंजन के ऊपर ही ऑपरेट होता है। ओके, और लास्ट आता है आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग पर्पस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, जिसके ऊपर आप आपका सामान रख सकते हो। तो इस टाइप की कैटेगरी, मतलब ये हो गए पांच कैटेगरीज ऑफ और टू व्हीलर के बॉडी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये इन डिटेल हो गया कार के बॉडी स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बॉडी स्ट्रक्चर एंड टू व्हीलर के बॉडी स्ट्रक्चर। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि जो कार बॉडी स्ट्रक्चर्स या व्हीकल ऑटोमोबाइल बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं कार के, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के एंड टू व्हीलर के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।